वेलकम बैक टू जनरल असम के रिएक्शन। मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद। देखते हैं और सुनते कानों को मेरा बहुत सारा सलाम। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अपने अहलान के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। सो नाज़रीन, छोटा सा मैसेज लेके आया हूँ। चंद रोज़ कबल एक इसराइली नौजवान अपने रोडों पर एक कार्ड लिए घूम रहा था जिस पर लिखा हुआ था खैबर वाज योर लास्ट चांस, कि खैबर की फतह आपकी आखिरी फतह थी, अब नहीं। ये इसराइली नौजवान सदियों बाद भी वो जो ज़ख्म अपने दिल में लिए बैठा है, और सद अफसोस के हमारे 80% नौजवानों को फतह खैबर के बारे में मालूम भी नहीं, और ख़ासकर वो नौजवान जो टिकटॉक पे नाचते फिरते हैं, उनको इस चीज़ों से कोई सरोकार ही नहीं। फतह खैबर वो जंग थी जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हैदर जर्रार हज़रत अली उनके साथ लड़े, और दौरान हज़रत अली से उनकी ढाल गिर जाती है, तो वो फतह खैबर का दरवाज़ा उखाड़ के ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और जंग के कबल जब इस दरवाज़े को उठाया जाता है तो 40 लोग बमुश्किल इस दरवाज़े को उठाते हैं। वो यहूदी सदियों बाद भी अपने दिल में बोझ रखा है उसने मुसलमानों के लिए, और हमारे मुसलमान सोए पड़े हैं इस वक्त। उम्मत मुसलमान एक बहुत बुरी तरह शिकस्त से दो चार है। चंद रोज पहले सदर आरिफ अलवी ने जो बयान दिया आपके सामने वो, और आँखें शर्म से झुक गई जो उस तरह के जिस तरह के उनके बयान थे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान रखे। अल्लाह ताला फ़लस्तीन में मुसलमान जिस जुल्म और बरबरीत का सामना कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हिफ्ज़ अमान में रखे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह नगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।